नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को लेकर लगातार अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जा रही है। भाई, सभी अभ्यर्थियों के मन में रिजल्ट को लेकर डाउट है कि रिजल्ट कब तक आएगा, इस बार हमारी नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, भर्ती कब तक होगी और किस टाइम पर सिलेक्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में इसको लेकर चर्चा करने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचा दी जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाओ, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उससे क्या है कि आपको हर एक अपडेट और हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब यहां पर मैं बात करना चाहता हूं, सभी कैंडिडेट्स के मन में रिजल्ट को लेकर डाउट है कि क्या भर्ती तो रद्द नहीं होगी, तो इसको लेकर यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि जो अहिंसा विभाग है, जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को नियुक्त कराता है, तो इसको लेकर उनके द्वारा कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है। हाँ, थोड़ा का एग्जाम जो रिजल्ट है उसमें डिले हो रहा है। इसका रीज़न मैं बता देना चाहता हूँ कि आचार संहिता के कारण या किसी और कारण इसको लेकर डिले हो रहा है, और अभी तक ये मामला कोर्ट तक भी पहुँच चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसकी सुनवाई जो PR मेहता है वो कर रहे हैं, और इसको लेकर अभी तक उनके द्वारा भी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है कि जो भर्ती उसको रद्द करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है सिलेक्शन के लिए, तो इस भर्ती को रद्द तो नहीं करेंगे, इसका सिलेक्शन तो होगा, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है, और कब तक हो सकता है तो इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है। कैसे कि आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो, कैसे देख सकते हो कब तक आएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक वेबसाइट रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको गूगल पर आना और सिंपली यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है NTR रिजल्ट। जैसे यहाँ पर आप ये सर्च करते हो तो NTR रिजल्ट यहाँ पर आपको साइट टॉप पर ही मिल जाएगी। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इनके टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे भी यहाँ पर आप आ सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आना है, रिजल्ट एडमिट कार्ड और लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन मिल जाएगा, और रिजल्ट के सेक्शन में यहाँ पर आपको 3rd या 4th नंबर पर ही मिल जाएगा, यहाँ पर आपको राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती रिजल्ट डाउनलोड। सिंपली यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर एंटर हो जाना है, और जैसे यहाँ पर आप इस पर एंटर होते हो तो देन उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो, आप ये आर्टिकल को सिंपली पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी रिजल्ट कब तक आएगा, और भाई यहाँ पर आपको देख सकते हो रिजल्ट डाउनलोड लिंक भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है, जिसके माध्यम से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकोगे जैसे ही आएगा, और आप यहाँ से बार बार चेक कर सकते हो रिजल्ट, दिन में 2-3 बार आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, क्योंकि जैसे यहाँ पर आप क्लिक करके ऑप्शन पर चेक करोगे, अगर आपके सामने रिजल्ट पैनल खुलती है, PDF डाउनलोड होता है, तो समझ लीजिए रिजल्ट आ चुका है। अदरवाइज आपको इसी साइट पर या किसी अन्य पोस्ट में रिडायरेक्ट कर देते हैं, मतलब रिजल्ट आने में देरी है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर आपको चेक कर बताता हूं, जैसे मैं क्लिकर ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि मुझे इसी वेबसाइट पर इनके द्वारा अभी तो रिडायरेक्ट कर दिया गया है, मतलब अभी तक यहां पर रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आता है तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। क्या पता वीडियो आप तक पहुंचे तब तक रिजल्ट आ सकता है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो यहां से आप सिंपली चेक कर लेना है, रिजल्ट डाउनलोड लिंक यहां पर आपको दी गई है, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर इस सेक्शन में यहां पर आपको प्रोवाइड की गई है रिजल्ट डाउनलोड लिंक, तो आप जाकर चेक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाओ हर एक अपडेट के लिए। मिलते किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।